नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी SSB ट्रेड्समैन भर्ती की एग्जाम दी थी तो आप बेसब्री से इतने दिन इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार कब हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ऑफिशियली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। कंप्लीट जानकारी ऑफिशियली प्रूफ के साथ हम देखने वाले, रिजल्ट आप कैसे देखें, कट ऑफ आपको कितनी देखने को मिलेगी। अगला सवाल है कि ट्रेड टेस्ट कब तक आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कौन सी ट्रेड से एग्जाम दिया था, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपकी ट्रेड की कट ऑफ आपको कितनी देखने को मिलेगी और कितना आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये SSB की ऑफिशियली साइट हमने ओपन कर रखी है। लगातार कल शाम से अभ्यर्थी मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या रिजल्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों SSB की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, या दोस्तों ये SSB की ऑफिशियली वेबसाइट है, ये खुल नहीं रही है। लगभग बात करें तो कल शाम 11 बजे के बाद में आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। इस कारण से लगातार अभ्यर्थी मैसेज और कमेंट करते क्या सर रिजल्ट जारी कर दिया गया है या फिर नहीं कह गए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपकी कट ऑफ आपको कितनी लगभग देखने को मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों मेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ इसके बीच के क्राइटेरिया में देखने को मिलेगी, चाहे आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई क्यों ना किया हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 58 से 60 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। चाहे आपने ड्राइवर से अप्लाई किया है, चाहे आपने कुक से अप्लाई किया है, चाहे आपने वाटर कैरियर से अप्लाई किया है, किसी भी ट्रेड से अगर आपने अप्लाई किया है तो। और फीमेल कैंडिडेट है तो 55 से 57 के बीच में आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। आगे दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और अगर आप ये 55 से 57 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन के 100% करीब है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 51 से लेकर 53 नंबर के बीच में बन रहे हैं तो मेरे दोस्त आप सिलेक्शन के बहुत करीब है, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर SC के कैंडिडेट हैं और अगर आपके 45 से 47, मेरे दोस्त SC कैंडिडेट के मिनिमम नंबर के आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। या दोस्तों मिनिमम नंबर आपके 45 रहने वाले हैं और SC कैंडिडेट की 45 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। SC कैटेगरी में काफी कम फॉर्म अप्लाई हुए, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, 45 से 47 के बीच में आपकी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ST कैंडिडेट की बात करें तो 51 से 53 है और इधर फीमेल कैंडिडेट की 48 से लेकर 50 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। EWS कैटेगरी में मेल के लिए 50 से 52 है, फीमेल के लिए 48 से 50 है। इसी क्राइटेरिया में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। इससे कट ऑफ आपको 1% भी ज्यादा नहीं मिलने वाली है। दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, कट ऑफ इतनी मिलेगी, आप सोच रहे होंगे इतनी कम कट ऑफ रहने वाली है, तो मेरे दोस्त 1522 पोस्ट है, वैकेंसी कम नहीं है, एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम थी। और बात करें, लगातार अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे क्या सर हमारे कितने कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं किस कैंडिडेट के कितने नंबर आपके बढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर ट्रेड टेस्ट आपका कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, तो मेरे दोस्त रिजल्ट आपका SSB की ऑफिशियली साइट में आपको दिखाता हूं। अभी तक SSB के द्वारा रिजल्ट आपका जारी बिल्कुल भी नहीं किया गया है। मेरे दोस्त आप सही सुन रहे हैं, अभी तक आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया। आप यहां पर देख भी सकते हैं, द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन CBT हेल्ड ऑन 13 जुलाई 2023, यानी कि 13 जुलाई 2023 को जिस अभ्यर्थी की एग्जाम हुई थी फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल नॉन GD कैन राइज ऑब्जेक्शन ऑन द क्वेश्चन थ्रू, आपके ऑब्जेक्शन के बारे में बताया गया है कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अभी तक आपके ऑब्जेक्शन का जो लिंक है वही एक्टिवेट किया गया है, 20 जुलाई तक आप ऑब्जेक्शन इसमें लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों रिजल्ट की बात करें कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त रिजल्ट के लिए आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के बहकावे में आपको आना है कि रिजल्ट जारी कर दिया या फिर नहीं किया। मेरे दोस्त रिजल्ट आपका जल्द से जल्द, हो सकता है आपका रिजल्ट आज भी आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है कल आपको आपका रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन फिर भी बात करें तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपको 100% मेरे दोस्त देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आगे दोस्तों आपका अगला सवाल है कि ट्रेड टेस्ट कब तक होगा, तो मेरे दोस्त ट्रेड टेस्ट के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना है। लगभग बात करें तो आपका अगस्त का लास्ट वीक, जी हाँ दोस्तों आप सही देख रहे हैं, अगस्त का जो लास्ट वीक है इसमें आपके ट्रेड टेस्ट के एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियली जारी कर दिए जाएंगे।
और जिस दिन आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे उसके बाद में आपको लास्ट बात करें तो 5 से 7 दिन का टाइम मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको अभी से ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों हमारी बेहतरीन एकेडमी माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल, इसमें बढ़िया से बढ़िया आपको तैयारी करवाई जाएगी। एसएसबी ड्राइवर की डेडिकेटेड आपको तैयारी करवाई जाएगी। व्हीकल अपने पास में सारे व्हीकल है, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो, टाटा 407 है, एस मॉडल ट्रक है, 52 सीटर बस है, सारे व्हीकल अभी हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी या कोई जानकारी लेनी है तो ये नंबर हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। अपनी अकेडमी है रामपुरा रोड जयपुर बीकानेर बाईपास धोध चौराहे के पास में सीकर में, अपनी अकेडमी सीकर राजस्थान में। क्या दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।